हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में और मैथ ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ जगह पे आपको पाई की वैल्यू यूज करनी होती है, कहाँ पर आपको स्क्वेयर रूट निकालना होता है, कहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, कहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कुछ ज्यादा वैल्यूज में से मिनिमम मैक्सिमम आपको फाइंड करनी होती है, या फिर कहीं पे आपको पावर फाइंड करना होता है। जैसे कि 2 का 5th पावर क्या होगा, 2 का 10th पावर क्या होगा, ऐसा पावर फंक्शन आपको निकालना है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मैथ ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, आपका वो काम इजी कर दिया है। आप कुछ फंक्शन दिए हैं इनबिल्ट आपको, तो यही 5 फंक्शन, मतलब जो बेसिक 5 फंक्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। वैसे मैथ ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन जो 5 जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हम यहाँ यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहले हम पाई फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, पाई नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, पाई वैल्यू नाम का एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, और मैं क्या कर लेता हूँ उसमें पाई की वैल्यू मैं दे देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैथ लिखना है, मैथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है और उसको वैल्यू मुझे लेनी है, मैथ पाई की वैल्यू मुझे लेनी है, ठीक है? तो मैं मैथ डॉट पाई से क्या कर सकता हूँ, मैथ उसकी वैल्यू मैं यहाँ पाई वैल्यू इस वेरिएबल में ले सकता हूँ। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होगी दोस्तों, 3.14 जो अप्रोक्सीमेटली होते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रिंट करके देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम उसे प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करनी है, तो हमें सिंपली क्या करना है, वो वेरिएबल जो है वो यहाँ पर हमें पास कर देना है, ठीक है? तो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए 3.14 जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है, यहाँ पर पूरी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है? पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यह आपने मैथ डॉट पाई जो फंक्शन है वो कैसे यूज करते हैं वो देख लिया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एसक्यूआरटी जो फंक्शन है, स्क्वेयर रूट का जो फंक्शन होता है वो हम जान लेते हैं, कैसे हम स्क्वेयर रूट का फंक्शन, मतलब स्क्वेयर रूट किसी भी नंबर का हम फाइंड कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं, ठीक है? देखिए तो यहाँ पर जो पाई वैल्यू है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एसक्यूआरटी नाम का एक फंक्शन, एक वेरिएबल ले लेते हैं, और मैथ डॉट एसक्यूआरटी ही फंक्शन होता है इसमें स्क्वेयर रूट फाइंड करने के लिए, और उसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली एक वैल्यू पास कर देनी है। जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, 2, 5, 6 ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो वैल्यू यहाँ पर पास कर दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एसक्यूआरटी का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, 2, 5, 6 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है उसका, स्क्वायर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट जो हो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसे रन कर लेता हूँ। देखिए 16 यहाँ पर आ चुका है, उसे हम क्या करेंगे, न्यू लाइन को ले लेंगे, ठीक है? हमने उसे नीचे न्यू लाइन पे ले लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हमने एक बीआर दे दिया, तो वो न्यू लाइन को यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? हम यहाँ पर एक बीआर के लाइन और ऐड कर देते हैं इसके नीचे, तो ये भी इसके अंदर बाद में जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं ये भी न्यू लाइन को आ जाएंगे। तो देखिए 2, 5, 6 था, परफेक्ट स्क्वेयर था, उसका स्क्वेयर रूट 16 है जो कि यहाँ एसक्यूआरटी फंक्शन में आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बारे में हम देखेंगे मीन फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? मेन फंक्शन हम यूज करेंगे, आपको मैं यहाँ पर यूज करके दिखा देता हूँ मेन फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे। जैसे क्या होता है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं और उन वैल्यूज में से आपको एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ पर एक मैथ फंक्शन आता है मीन से, मतलब मीन एक मैथ फंक्शन है जो आपको उसमें से बहुत सारे वैल्यूज में से एक वैल्यू आपको फाइंड करके देगा, ठीक है? मैथ डॉट मीन का जो फंक्शन आता है, यहाँ पर मैं एक मीन वैल्यू ऐसे वेरिएबल दे देता हूँ, यहाँ पर भी हम वही प्रिंट करेंगे, मीन वैल्यू प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है?
ये रैंडम वैल्यूज में ले रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वन है। तो आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैट डॉट मीन फंक्शन की मदद से वन वैल्यू मीन वैल्यू वेरिएबल में आ जानी चाहिए। ठीक है, हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए वन जो मिनिमम वैल्यू थी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेन की वन जो वैल्यू वो डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 35 है, तो वहां पर 35 आ जानी चाहिए। ठीक है, देखिए 35 वैल्यू आ चुकी है, मीन वैल्यू 35 यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए मीन के कैसे हम बहुत सारे नंबर में से एक मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे मैक्स फंक्शन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमने मीन फंक्शन यूज किया, वैसे हम यहाँ पर सिर्फ मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। मैक्स फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे वैल्यूज में से एक मैक्स जो वैल्यू होगी उसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मैक्स ले लिया और यहाँ पर भी हम वही वेरिएबल प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट कर देंगे। अब क्या होगा, उसमें से जो सबसे बड़ा है 256, वो वहां पर आ जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 256 आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू है जो डिलीट कर देता हूँ, उसमें से अब सबसे बड़ी है 94, तो वहां पर 94 वैल्यू आ जानी चाहिए। देखिए 94 वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, जो इन नंबरों में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब लास्ट का फंक्शन हम देखेंगे, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है दोस्तों, पावर फंक्शन जैसे कि हमें कभी कभी क्या होता है, पावर कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि 2 का 5th पावर क्या आएगा, या फिर 2 का बहुत बड़ा अगर पावर होगा तो हम उसे कैलकुलेटर की मदद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथ ने इनबिल्ट फंक्शन दिया है एक POW पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ 2 नंबर पास करने हैं जिससे हम पावर फाइंड कर सके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 का 5th पावर यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि हमें 2 रेस टू 5 कितना आएगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर ऐसा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पावर वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पावर फंक्शन जो है वो 2 का 5th पावर कैलकुलेट करके हमको दिखा देगा। ठीक है, तो अब हम उसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए 2 का 5th पावर कितना आता है, 32 आता है। अब हम क्या करेंगे, 2 का यहाँ पर जैसे कि बहुत बड़ा पावर हमें कैलकुलेट करना है, 2 का हमें 96th पावर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम इजीली कर सकते हैं। देखिए 96th पावर ये आता है 2 का, ये हम कैलकुलेटर की मदद से ही कर सकते हैं, ये हम ऐसे कैलकुलेशन करके फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये मैथ डॉट POW जो मैथ का ऑब्जेक्ट का फंक्शन है ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में देखा कैसे हम मैथ के बेसिक फंक्शन यूज करके कुछ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, धन्यवाद।